तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक स्टार्ट। सो गाइज, यहां पे हमारे पास भी आ गया मीवी का फॉर्ट S200 जो कि लिटरली काफी ज्यादा कमाल का है। यहां पे गाइज ये 200 वॉट का है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। और मजे की बात है कि जिस प्राइस पॉइंट पे इसे लॉन्च किया गया वो काफी अनबीटेबल है। सो गाइज, हम लोग टोटली इसी के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप लोग इसे परचेज करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया तो डोंट वेरी गाइज, आपको सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। इसका फीचर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसका किस तरह का साउंड क्वालिटी है वो भी इसी वीडियो में देख लेंगे, और काफी कुछ टेस्ट करने वाले इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे 5 to 6 days से यूज किया है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है ये साउंड बोर्ड कैसा है। सो विदाउट एनी वेस्ट टाइम वीडियो शुरू करते हैं, और चलिए अब देखते हैं। तो ये गाइस इसका साउंड बोर्ड जो कि कुछ इस तरह के लुक और डिजाइन में दिया गया है। यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट में एक क्लियर कर देता हूँ, तो अगर आपने मीवी फॉर्ट S100 देखा होगा तो सेम इसे भी उसी तरीके का डिजाइन किया गया है, या आप ये भी बोल सकते हो सेम वही है, बस इसमें डिफरेंस है इसका जो सब वूफर है वो आपको अलग से दिए गए हैं, और ये जो साउंड बोर्ड है वो 2.1 चैनल पे वर्क करता है। अब यहाँ पर इसका डिजाइन और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो जो आप ये ग्रिल देख रहे हो उसे मेटल का बनाया गया है, और ये जो प्लास्टिक देख रहे हो ऊपर साइड वो ग्लॉसी प्लास्टिक का यूज किया गया है, जिसका से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड काफी एक प्रीमियम टाइप का फील देता है। और गाइस यहाँ पे इसे आप वॉल के ऊपर भी लगा सकते हो, यहाँ पे आपको हैंगिंग हुक दिए गए हैं। और गाइस अगर आपको ऐसा देख के लग रहा होगा ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काफी हैवी है। मैं किस तरह इसे दोनों हाथ से पकड़कर आपको अच्छे व्यू के लिए दिखा रहा हूँ वो तो मैं ही जानता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सीधी बात ये है, ये ओवरऑल काफी सॉलिड फील देता है। इससे पहले इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे, उससे मैं पहले इसका प्राइस रेंज बता देता हूँ आप लोग को। तो ऐसे बॉक्स में मेंशन किया गया 19,999, बट अगर आप लोग इसे ऑनलाइन मार्केट से परचेज करते हो तो ये अप्रोक्स आपको 7,000 में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको इसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे बेस्ट बाय लिंक से परचेज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर बात करें इसकी मल्टीपल कनेक्टिविटी के बारे में, तो गाइस इसमें आपको हर तरह के पोर्ट्स दे दिए गए हैं। इसमें आपको यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑक्स केबल का भी सपोर्ट दिया गया, ऑप्टिकल का भी सपोर्ट दिया गया, एंड को एक्सियल केबल का भी सपोर्ट दिया गया है, और इसमें ब्लूटूथ तो है ही ऑलरेडी। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतने सारे पोर्ट्स होंगे भी इसे कनेक्ट करने के लिए। और ऐसे ही तो वायरलेस कंट्रोल किया जा सकता है, यानी रिमोट से तो किया जा सकता है, साथ साथ यहाँ पे आपको इसमें मैनुअली भी दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये रहा इसका माइनस बटन, और ये रहा इसका वॉल्यूम अप बटन, और यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक गेट आउट का बटन दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे कुछ बॉक्स के साथ एक्सेसरीज भी दिए गए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे कुछ बुकलेट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले एक क्रू कार्ड दिया गया है जिसमें को फाउंडर और फाउंडर के सिग्नेचर वगैरह किए गए हैं, और ये रहा इसका वारंटी कार्ड जो कि कंपनी की तरफ से पूरे एक साल का वारंटी आपको दिया गया है, तो आप लोग इसे जरूर रजिस्टर कर लेना अपने डिस्क। और ये रहा इसका यूजर मैनुअल गाइड, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग टीएस फैमिली के सब्सक्राइबर हो गए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में सारा कुछ डिफाइन कर ही देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग इस साउंड बार को मैनुअल कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑक्स केबल भी दिया गया है, तो सिंपली इसे आप अपने स्मार्टफोन से या किसी चीज से भी कनेक्ट कर सकते हो। और गाइस एक सच बात बताओ तो मुझे इसका रिमोट है जो काफी पसंद आया। और यहाँ पे कमाल की बात है कि आपको रिमोट के साथ इसका बैटरी भी दिया गया है जो कि अप्रॉक्स 20 rupees के हैं, तो डेफिनेटली इस बार मीवी ने अपने कस्टमर का काफी ख्याल रखा है। इट मीन्स बाहर से आपको 1 rupees भी खर्च नहीं करना पड़ेगा जब आप इस साउंड बोर्ड को लोगे। तो अब सीधे चलते हैं अपने सब वूफर्स की ओर और देखते हैं वो किस तरह के डिजाइन में हमें देखने को मिलता है। और गाइस आप लोग के अंदर से काफी एक बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो सब वूफर को नहीं कनेक्ट करना अपने साउंड बोर्ड के साथ तो वो भी कर सकते हो, बट हाँ आपको बेस नहीं देखने को मिलेंगे साउंड बोर्ड में, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। और जैसे ही आप सब वूफर को कनेक्ट करते हो साउंड बोर्ड के साथ तो ये एक बैलेंस बन जाता है और आपको काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है साउंड का। अब यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो गाइस डिजाइन तो काफी ज्यादा सिंपल है, इसमें सिर्फ इसका आपको लोगो ही दिया गया है और बाकी कुछ नहीं दिया गया, ना किसी तरह का आपको इसमें पोर्ट वगैरह भी दिए गए और ना ही किसी तरह का इसमें कंट्रोलर सिस्टम दिया गया है, बट हाँ जैसा भी ये काफी क्यूट लगता है और काफी एक प्रीमियम टाइप का फील देता है, क्योंकि इसे वुड से बनाया गया है और जिसका आपको फ्रंट का लुक दिख रहे हो उसमें सिर्फ प्लास्टिक का यूज किया गया है, अदरवाइज आपको तीनों साइड ही वुड का फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मैंने ऑलरेडी साउंड बार और साउंड वूफर का काफी ज्यादा तारीफ कर चुका हूँ, अब आता है इसे टेस्ट करने की बारी। तो सबसे पहले मैं अपने स्मार्टफोन से इसे क्रिएट करता हूँ एंड देन एक सॉन्ग प्ले करूंगा, और आप लोग भी अपने सजेशन जरूर देना कमेंट बॉक्स में आप लोग को इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगा, और मैं तो अपना खुद का बताऊंगा ही। तो चलिए अब देखते हैं। Yeah.
सो आई होप आपको इसका साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा मस्त लगा होगा। और लिटरली यहाँ पे रियलिटी की बात करें तो जो आप अभी सुन रहे थे उससे आप 10x ज्यादा ही बेटर लगेगा आपको जब आप इसे रियल में सुनेंगे। और ऐसा मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ या मुझे किस तरह का साउंड क्वालिटी लगा इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं था तो मुझे कंपनी से लेना देना है नहीं कुछ। अगर आप लोग एक साउंड बोर्ड परचेज करना चाहते हो जिसका रेंज आपने रखा है 6 to 7,000 तो डेफिनेटली आप अपनी लिस्ट में इसे जरूर रखना क्योंकि इस तरह के इसमें आपको फंक्शन ही दे दिए हैं और इसका साउंड क्वालिटी तो काफी ज्यादा लाजवाब है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बट फिर भी किस तरह के आपके माइंड में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं आपको 1 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देखने में तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब कर हमारे टीएस फैमिली में ज्वाइन हो सकते हो और इसे करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।